माटी से बंधी डोर 27 मई से शाम 7:30 बजे स्टार प्लस पर। आज भी नहीं आए। पूजा तो बहुत ही अच्छे से हो गई बाबू। आरजू ने सारी रस्में बहुत ही अच्छे से निभाई। कुल देवी का आशीर्वाद मिल गया दोनों को। सुन बेटी, गौशाला जाकर के ना गौ माता की पूजा कराए और जे प्रसाद ना श्रद्धा से चढ़ावेगी ना तो आशीर्वाद मिलेगा। गौ माता में कई देवी देवताओं का वास हुए, जे पूजा ना बड़ी अहम होवे है, ध्यान से करना। हाँ, कोई चूक ना होवे। सूरज, संध्या भी नहीं, छोटू जाओ तुम जाकर के ना प्रसाद बांटा। जी बाबू। जा चलो। सुना जी, अठे चपला की बड़ी चोरी होवे, अदली बदली होवे, ध्यान रखा करो। अठीने बठीने के देख रहे हो, रे चपला की बात करो। हाँ बोल तो दिया ना। रे मारा राम जी, समोसा मिर्ची बड़ा हलवा ये सब चीजें ने देखने से फुर्सत मिले जब तो ध्यान रखोगा ना। ना जाने जे पेट है के गोदाम है। संतोष बाबू, बस सच्चा है, मैं एक बिस्कुट खा के निकला था घर से। रेंट मैं देख लूंगी, बिस्कुट खा कर निकला था। रे राम, इस बार हम पूजा करने में कोई गलती नहीं करेंगे। गौ माता, हमें जितना भी जैसे भी आता था हमने पूजा कर ली है, अब बस आप हमें दुआ दे दीजिए कि हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारे घर वाले हमसे नाराज हों। गौ माता को कितनी तकलीफ हो रही है, लगता है सारी रस्सियां उलझ गई हैं। एक काम करते हैं, इसको सुलझा देते हैं, गौ माता की और दुआएं मिलेंगी तो भावों का दिल जीतने में भी आसानी होगी हमें। एक काम करते हैं, इसको खोल देते हैं। एक मिनट। सुना जी, अठे चपला की बड़ी चोरी होवे, अदली बदली होवे, ध्यान रखा करो। कहीं ये वही चोर तो नहीं जिसके बारे में बाबू ने जिक्र किया था? अरे ये तो हमारी नाली चुरा रहे। आज सबक सिखा के रहेंगे इस नामुराद को। पकड़ लिया तो भाभू भी खुश हो जाएंगी। चोर, चोर! हाँ मैं मंदिर से निकल चुका हूँ, भारी चिंता ना कर। अरे बस पकड़ लूंगा दौड़ के, छूटेगी नहीं। भाग कर है बच्चू, रुक अभी बताते हैं तुझे। अरे ए लड़की, ए ए रुक, गाय भगा दी मेरी। ए कटे भाग रही है। रे सूरज, संध्या बिन्नी, रे छोटू, क्या हुआ? ये देखो कटे भागी जाए। सूरज वो देख।
अरे चल चलिए। अरे क्या करे, यही है वो चोर जिसने कुलदेवी माता के मंदिर से नाले चुराई है। सूखी रोटी तेरे हाथों से खाके आया मजा बड़ा। तेरे राणा जी फिर से तुझसे मिलने आ रहे हैं? रिश्ते के लिए हाँ हो जाएगी ना, हर बार की तरह किस्मत धोखा तो नहीं देगी। कैसा चल रहा है आपका काम? मैं भारी, मैं सुबह खेत में काम करती हूँ, फिर तालाब में ना भैंसों को मस्त रगड़ रगड़ के नहलाती हूँ, दोपहर में ना चौकड़ी मार के ना डिशुम डिशुम वाली फिल्म देखती हूँ, और शाम को ना घूमने जाती हूँ मेरे राजा के साथ। राजा पतीला क्या चाह चाय उबल गई? राजा मेरा बैल ना। लड़कियों वाली कोई फीलिंग है ना बोलने का ढंग यार, शादी के लिए लड़की देखने आए हैं, अखाड़े का पहलवान नहीं। जो बंजर जमीन पे भी हरियाली ले आए उसकी जिंदगी में कोई रंग भर पाएगा। माटी से बंधी डोर 27 मई से शाम 7:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। नाले आज हमने इसे रंगे हाथों पकड़े हैं। शर्म नहीं आती आपको चोरी करते हुए? चिक्की चोरी लगता है थारे को गलत फहमी हो गई, मैं चोर नहीं हूँ। पकड़े जाने पर हर चोर यही बात बोलता है, पर आज आपका कोई झूठ नहीं चलने वाला, हमने अपनी आंखों से देखा है आपको हमारी नाले चुराते हुए। नाले? चोरी पहली बात ये कि मैं चोर नहीं, और दूसरी बात ये कि नाले क्या होती है मन ने पता नहीं। वाह, पहले तो चोरी करते हो ऊपर से यही नहीं पता कि चुराया क्या है। वो तो शुक्र है कि हमारी भाभो ने हमें पहले ही खबरदार कर दिया था, वरना तो हम जान ही नहीं पाते कि आप जैसे लोग भी रहते हैं इस दुनिया में। अभी देखो सीधे सीधे कबूल कर लो कि तुमने ही चोरी की है, वरना हमें और भी तरीके आते हैं सच्चाई बुलवाने के जो आपको पसंद नहीं आएंगे। देखो हम रिक्वेस्ट नहीं करते, एक ही बार बोलते हैं और फुल एंड फाइनल हो जाता है। अरे हद हो गई चोरी, जब मैंने नाली चोरी नहीं की तो मानो क्यों? एक तो ना नाम ढंग से ले लो, नाली नहीं नाले। हाँ भाई भाई ये नाले होते क्या है? लो अब ये भी बताना पड़ेगा, नाले वो जो धूप से बचाए। छाता? अरे नहीं, जो आपने अपने पैरों में पहनी हुई है। कितनी शर्मनाक हरकत करी है इन्होंने। देखो भाई और बहनों, जिस मोजड़ी की चोरी की बात कर रही थी छोरी, वो तो खुद पहनी है और बहाना बना के मन ने चोर बना गई। घोर अपमान पंडित जी, इस छोरी ने मारो घोर अपमान कियो है। जान लीजिए बच्ची है। हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे, हमें नहीं पता ये हमारे पैर में कैसे आ गई, गलती से गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। लो कर लो बात, किसी को पकड़ कर चोर बोल दिया और फिर माफी मांग कर चल दी। अरे पंडित जी मारी इज्जत विज्जत है कि नहीं? गजब हो गयो, मैं तो बर्बाद हो गयो, ये लड़की ने मारे गायों की रस्सी खोल दी, अरे गाय बाड़े से भाग गई। अब क्या कर दिया हमने? काकी साहब आपने अपनी बिंदी को सिखाया को नहीं गौ माता की पूजा कैसे करते हैं? ऐसे रस्सी खोलता है कोई भला, मारी गाय भगा दी, अब कटे दू उनका फिर उनका जाने के हाल होगा उनका, गौ माता का जय अपमान। आज तक ऐसी पूजा तो किसी ने ना की। सेठ जी बच्ची नाना ने माफ कर दीजिए, बच्ची गलती तो हो जाती ना सेठ जी। माफ कर दीजिए बाबू। बस एक सब बिना बोले की द्वार चुभेनी। जिंदगी दुबर कर रखी है इस छोरी ने। देख बाबू, बाबू मैं समझ सकता हूँ, थरा गुस्सा ना एकदम सही है, वो कहने के आरजू बहुत दूर से आई है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। भावो तो...
शादी हो गई तो क्या हो गया, है तो बच्चे ही ना। के बावली जी से बात कर रही, रे कब तक बच्ची होने के नाम से ना गलतियां करती जावेगी रे। रे मारा राम से इससे छोटी थी मैं जब मारो ब्याह हुए हो तो। रे चूल्हा चौकी से ले करके घर के सारे काम काज ना थोप दिए थे माथे पर मारे मासा ने, पर मजाल है कि एक भी शिकायत का मौका दूं मैं। पर जे पीरणी तो बता मारे को, इतनी बावड़ी तो तू भी ना थी ना कि अपने पैरों में मोजड़ी पैर रखी हो और दूसरा पर अपनी मोजड़ी का चोरी को इल्जाम थोप देवे। रे मारा राम जी मारा तो कर्म ही फुटेड़ा है। रे गौ माता की पूजा करने के लिए भेजा था, गौ माता की रस्सी खोलाई। रे राम माती को निकाले। देख बाबू, इसीलिए तो हमारे मासा की सर्वगुण संपन्न बीननी है। अब हर कोई मेरी भाबू जैसे थोड़ी ना हो सकता है। देख भाबू, हम ये सारी बातें ना घर जाके करेंगे। अब ना छोरा, आज के बाद ना कोई बात ना करनी है अर्जुन बीरण के बारे में। जितना इसे नादानियां करनी थी ना इसने कर ली, और जितना हमारे को झेलना था मैंने झेल लिया। आज तो गौ माता को ही भगा दिया, इस सारा पाप ना मारे माथे थोप दिया उसने। जो पुष्कर में हुआ ना तो मैंने सोचा कि कुल देवी का आशीर्वाद ना मिला है ना इसलिए ये सब हो रहा होगा। पर अठे रे अठे आकर के तो चार कदम आगे ही निकल गई। कभी आदमियां के बाथरूम में घुस जावे, अपनी मोजड़ी पैरी हुई दूसरा के माथे पर डर। मजाल है ब्याह के बाद एक भी काम ढंग से किया हो सिवाय ओलिया बनाने के। रे मारा राम जी, इसी मुस्तंडी बीनड़ी ना मैंने कदई को नहीं देखी। बहुत बड़ी गलती कर दी बिना सोचे समझे ले आई मैं। जे ना अपने घर परिवार में ना तालमेल इस छोटू को नहीं बैठ सके। रे मारे छोटू ने ना कदे खुश को नहीं रख सकेगी, कदे खुश को नहीं रख सकेगी। और हाँ तुम दोनों कान खोल कर सुन लियो, पुष्कर पहुंचते ही ना पहली फुर्सत में इसे हैदराबाद रवाना कर दियो और से दादी से बोल दियो कि इसे सब कुछ सिखा कर भेज देवे के सासरे में बीनड़ी कहीं रह रहे हैं तमीज सिखा कर भेजे। इतनी बड़ी घोड़ी ने ना मैं अपने आंगले में कदई ना चढ़ को नहीं दूंगी। ना छोरा मैं को नहीं सुनने वाली। पर बाबू ऐसे थोड़ी ना होता है, कोई परवर को नहीं भी नहीं। जे मेरा आखिरी फैसला है, कोई बीच में नहीं बोलेगा। हम पाकिस्तान इतनी आसानी से नहीं जाएंगे बाबू। जिस चीज के लिए हिंदुस्तान आए हैं उसे तो पूरा करके ही जाएंगे। आरजू ने जो कुछ भी किया वो एक नादानी में किया बाबू, इतना कड़ा फैसला मत लीजिए। उसे एक मौका तो मिलना चाहिए ना। और याद कीजिए ना बाबू, मैंने कितनी गलतियां की हैं। लेकिन धीरे धीरे आपने मुझे और मैंने आपको समझा ना, और आज देख लो आप मुझे कितना प्यार करती हो। अर्जुन को भी एक मौका मिलना चाहिए बाबू, उसे हम सबके साथ की हम सबके प्यार की जरूरत है। और देख लेना वो अपने आप को बदल लेगी। पर भी नहीं। हाँ बाबू, संध्या सही कह रही है। देख बाबू ये छोटी सी बात है, इस बात पे इतना बड़ा फैसला। देख उसके मन में कोई पाप नहीं है बाबू। हाँ लेकिन एक बात है, अगर तू उसको एक मां बन के समझाएगी ना तो वो जरूर समझ जाएगी। छोरे माटी के घड़े का आकार ना जब तक बदला जा सके है जब तक वो कांचा हो, पक्का हो जाने के बाद ना टूट जावे, पर आकार को नहीं बदल सका। अब जे रोज रोज का तमाशा ना मारे से सहन को नहीं।
अब मैं ज्यादा बर्दाश्त को नहीं कर सकती। बस स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।